कल बुलढाणा में सभा है, उद्धव जी जाएंगे, शायद वहाँ कुछ बड़ी बात कर सकते हैं वो। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र को कुचलने, महाराष्ट्र का अपमान करने बात चल रही है और हो रही है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों का पर दावा करने का विषय हो, महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है। और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। डेफिनेटली पवार साहब की भी यही भूमिका है, हम एक साथ रहकर लड़ाई करनी चाहिए। महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्यांना जर या राज्यातला सत्ताधारी पक्ष पाठिंबा देत असेल तर अशा सरकारला महाराष्ट्र द्रोही सरकार म्हणावं लागेल। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।